नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब पेज पर। दोस्तों, आज भारत के महान शक्तिशाली सम्राट एक ऐसे शासक की जयंती है जिनको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो जयंती है उसी के आधार पर आज हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे जो एग्जाम के नजरिए से हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो। दोस्तों, बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखिए पढ़ते हैं अपन कि इनका जन्म कब हुआ। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1166 में। इनका जन्म स्थान है वो है अनिल पाटन गुजरात, यानी अनिल पाटन है वर्तमान में गुजरात में है, और यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे पढ़ते हैं कि इनकी माता नौ का नाम था कर्पूरी देवी, माता इनकी कर्पूरी देवी। इसके अलावा पिता का नाम पूछे तो सोमेश्वर चौहान, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान वंश से थे, और चौहान वंश की उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुंड यज्ञ से, चंद्रपद के अनुसार उसमें। आगे बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, और उन भाई का नाम था हरिराज, भाई थे हरिराज। अब बात करते हैं आगे, कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जब 11 वर्ष की आयु में होते हैं तब इनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 11 वर्ष की आयु में जब इनकी मृत्यु हो जाती है पिता की, तब ये क्या करते हैं, शासक बनते हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान कितनी उम्र में, कितने साल की उम्र में क्या बने थे, भारत के शासक बने थे। तो 11 वर्ष की उम्र में या 11 वर्ष की आयु में शासक बने। अब देखिए, क्या कोई भी बच्चा होता है 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही क्या पूरा शासन का संचालन अपने तरीके से कर सकता है, नहीं कर सकता है। तब इनका शासन संचालन में योगदान दिया था इनकी माता कर्पूरी देवी ने, इसीलिए कर्पूरी देवी को पृथ्वीराज चौहान की क्या कहा जाता है, संरक्षिका कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने के दो सेनापति, एक सेनापति और एक प्रधानमंत्री थे, और उनका नाम था केमास, और केमास क्या था, इनका प्रधानमंत्री था। इनका एक सेनापति था जिसका नाम था भुवनमल। जब पृथ्वीराज चौहान छोटे होते हैं उसी समय उनका एक बचपन का मित्र होता है जिसका नाम होता है चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। अब आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र होता है जिसका नाम होता है अरुणा भील, और अरुणा भील ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने क्या किए थे, सिखाए थे। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना सिखाए थे अरुणा भील ने, और इस अरुणा भील की एक उपाधि है जिसको पृथ्वीराज चौहान ने दी थी, उसका नाम है गार्जिस्पति, गार्जिस्पति की उपाधि। और इन्होंने पृथ्वीराज को क्या सिखाए, शब्द भेदी बाण सिखाए। आगे देखिए, कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जब शासक बनते हैं उसी समय इनका एक चचेरा भाई होता है, और उस चचेरा भाई का नाम होता है नागार्जुन। क्या नाम होता है, नागार्जुन। तो कहते हैं कि नागार्जुन इसका फायदा उठाता है, चचेरा भाई होता है, और कहता है कि पृथ्वीराज चौहान शासक नहीं बनेंगे, मैं बनूंगा। तब इनके सेनापति थे जिनका नाम था भुवनमल, इन भुवनमल ने नागार्जुन को पराजित किया था गुड़गांव के युद्ध में, जिसको कहा जाता है गुड़पुर का युद्ध, पर ये बात है 1178 की। 1178 में गुड़पुर का युद्ध हुआ था, और उस गुड़पुर युद्ध में नागार्जुन देव क्या हो गए थे, बुरी तरीके से पराजित हो गए थे। अब बात करते हैं आगे, देखिए पृथ्वीराज चौहान की उपाधियों के बारे में बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां। तो पृथ्वीराज चौहान की उपाधियों को देखें तो दो उपाधियां थी इनकी, एक तो थी राय पिथवा, और दूसरा था दल पुंगल, दल पुंगल। अब देखिए, इसके अलावा जो ये दल पुंगल है इसका मतलब होता है निष्फल विजेता,
पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही वीर साक्षी और ताकतवर व्यक्ति थे। एक शासक के सारे गुण उनमें विद्यमान थे और उसी के तहत उन्होंने अपने शासन के शुरुआत से ही एक साम्राज्यवादी नीति अपनाई और साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने अपने आसपास के सारे जो शासक थे उनको क्या किया था, उन्होंने पराजित किया था। देखिए, सबसे पहले इन्होंने 1177 में गुरुकुल के युद्ध में नागार्जुन को पराजित किया। बात है 1180 की। 1180 में जो सतलज का मैदान है या सतलज नदी का जो मैदानी भाग है वहां पर एक जाति रहती थी, वहां पर रहती थी भांडानल जाति। इस भांडानल जाति को इन्होंने क्या किया था, मूल समूल नष्ट कर दिया था। यानी भांडानल जाति थी बहुत खतरनाक जाति थी, लूटपाट करती थी और किसानों को और दूसरी जनता को लूटने का काम करती थी, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान ने भांडानल जाति थी इस भांडानल जाति का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। अब देखिए आगे, इसके अलावा इनका एक घोड़ा था। सवाल पूछा जाता है पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या था, तो घोड़ा था उसका नाम था नाट्यरंभा। आप देख सकते हैं, देखिए बात है 1182 की और 1182 में क्या हुआ था कि एक शासक था जिसका नाम था परमादिदेव चंदेल। अब देखिए परमादिदेव चंदेल था, ये पृथ्वीराज के समकालीन शासक था और ये शासक था महोबा जो वर्तमान में कहा है एमपी। तो 1182 में पृथ्वीराज चौहान और परमादिदेव चौहान, परमादिदेव चंदेल, परमादिदेव चंदेल के मध्य एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है तुमूल का युद्ध। तुमूल का युद्ध, इस तुमूल के युद्ध में परमादिदेव चंदेल बुरी तरीके से पराजित हुए थे। इसके अलावा परमादिदेव चंदेल के दो सेनापति थे जिनका नाम था आलहा व उदल। आलहा और उदल भी क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। सवाल पूछा जाता है जैसे जोड़िया बनी हुई है जैसे जैता और कुप्पा, जैसे सवाल पूछा जाता है जैता और कुप्पा किसके सेनापति थे, उसी प्रकार आला और उदल किसके थे, जैसे जैमल और पत्ता किसके थे, इस तरह से ये आला और उदल भी एक सेनापति थे और ये जोड़ियां बनी हुई है इतिहास में। आला और उदल वीर गति को प्राप्त हुए थे। बात करते हैं 1184 की। 1184 में गुजरात का शासक होता है वो होता है भीम सेकंड। कहते हैं कि जब भीम सेकंड होता है इनके समय में क्या होता है, भीम सेकंड और पृथ्वीराज चौहान के मध्य एक युद्ध होता है। उस युद्ध में भीम सेकंड खुद नहीं आता है और अपने सेनापति को भेजता है जिसका नाम होता है जगदेव, और पृथ्वीराज चौहान ने इसको भी क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी क्या हो रही थी, शक्ति थी वो निरंतर बढ़ती जा रही थी और जब शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी उसी समय इन्हीं के समकक्ष एक और शासक था जिसका नाम था जयचंद गहरवाल। ये जो जयचंद गहरवाल थे ये पृथ्वीराज चौहान की जो वीरता लगातार बढ़ रही थी, इनका राज्य चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुका था, इस बात से वो क्या हो रहे थे, थोड़े खपा हो रहे थे। तो कहते हैं कि एक बार पृथ्वीराज चौहान होते हैं ये और परमादिदेव चंदेल के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। उसके बाद परमादिदेव चंदेल होते हैं वो अपनी बेटी जिसका नाम होता है संयोगिता, संयोगिता के साथ संयोगिता होती है, इस संयोगिता के लिए क्या करते हैं, स्वयंवर की रचना करते हैं। अब आपको पता होगा स्वयंवर क्या होता है, स्वयंवर का मतलब ये होता है कि खुद का वर स्वयं चुनना। तो पहले स्वयंवर होते थे, संयोगिता के लिए जयचंद गहरवाल ने क्या किया था, स्वयंवर का आयोजन किया था। उस स्वयंवर में उन्होंने आसपास के जो भारत के जो राजा थे सभी शासकों को आमंत्रित किया और एकमात्र पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने क्या नहीं किया था, आमंत्रित नहीं किया था। और पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी वो द्वारपाल के रूप में बाहर लगा दी थी, जहां से एंट्री हो रही थी वहां से बाहर लगवा दी थी मूर्ति। तो कहा जाता है कि संयोगिता को जब वरमाला देकर बाहर भेजा जाता है कि जाओ एक अच्छा सा वर चुन लो, तब संयोगिता होती है वो क्या करती है, सारा और घूमने के बाद उसको पता चलता है कि एक शासक आया नहीं है और वो शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो वो जाकर उस द्वारपाल की जो मूर्ति बनी होती है पृथ्वीराज चौहान की, उस मूर्ति के अंदर माला पहना देती है।
इस बात का पता जब पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है तो पृथ्वीराज चौहान आते हैं और स्वयं पिता को क्या करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, विवाह रचाते हैं। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान चारों तरफ अपना दुश्मन, मतलब चारों तरफ अपनी दुश्मनी बढ़ा चुके थे। कहने का मतलब यह हुआ कि परमाधि देव को भी इन्होंने पराजित किया था, तो परमाधि देव इनके साथ कुछ नहीं था, भीम सेकंड था ये भी इनके साथ कुछ नहीं था, और जयचंद गहरवाल भी इसके प्रति क्या नहीं था, कुछ नहीं था। उसी समय भारत के अंदर मोहम्मद गौरी का क्या होता है, प्रवेश होता है। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य एक युद्ध होता है 1192 में, और उस 1192 के युद्ध को कहा जाता है तराइन का युद्ध। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध होता है वो सन 1192 में लड़ा जाता है। तराइन वर्तमान में हरियाणा में है और तराइन का प्रथम युद्ध होता है वो 1192 में, और इस 1191 तराइन का प्रथम युद्ध होता है वो कब होता है, 1191, और इस युद्ध में कौन पराजित हो जाता है, गौरी पराजित हो जाता है, और गौरी पराजित होने के बाद यहां से वापिस चला जाता है। उसके बाद एक साल बाद में गौरी वापिस अपनी सेना लेकर आता है, और अपनी सेना लेकर आने के बाद वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान पर वापिस युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध होता है वो होता है सन 1192 में, और इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। देखिए पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब ये पराजित होते हैं और युद्ध से बाहर जा रहे होते हैं तब शिरसा के निकट गौरी के सैनिक इनको पकड़ लेते हैं और वहीं पर इनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो है उसमें यह लिखा गया है कि गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है तो अपने साथ गजनी ले जाता है और वहीं पर उनको क्या करता है, बंदी बनाकर रखता है, और उसी दौरान उनके साथ उनका मित्र भी साथ होता है जिसका नाम होता है ये चंद्रवर्धय। तो चंद्रवर्धय इनके साथ होता है, चंद्रवर्धय क्या करता है इनके बारे में एक बात पहुंचाता है गौरी तक, कहता है कि ये पृथ्वीराज चौहान है ये सत्यवेदी बाण चलाने में माहिर है, और सत्यवेदी बाण चलाने का मतलब यह हुआ कि जहां से आवाज आती है उसी तरफ क्या जाता है, तीर जाता है। तब गौरी भी उनकी इन कला को देखना चाहता है, उन्हें अपने दरबार में क्या करता है, आमंत्रित करता है, और जैसे ही दरबार में आमंत्रित करता है उनकी कला देखना चाहता है उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान होता है उनको बुलाया जाता है, और इस तरह से एक इनको यहां बुला दिया जाता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान यहां खड़े हैं और सामने कौन खड़ा है, मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी यहां पर खड़ा है, पृथ्वीराज चौहान यहां खड़े हैं, उनके पास में खड़ा है इनका साथी चंद्रवर्धय। तो कहते हैं कि जब इनकी वो सब्दवेदी बाण ये देखना चाहता है उससे पहले ही चंद्रवर्धय पृथ्वीराज चौहान को एक दोहा सुनाता है और ये कहता है कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ऊपर बैठो सुल्तान मत चुके चौहान, यानी ये दोहा सुनाता है, और ये दोहा सुनाते ही पृथ्वीराज चौहान होता है वो अपना जो तीर और कमान होता है उसको दिशा बदल देता है, उस तीर को कहां किस ओर छोड़ देता है, मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। अब देखिए पराजित का मतलब ये हुआ कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि चंद्रवर्धय ने और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को कटार घोंपी और दोनों ने वहीं पर क्या कर दी थी, आत्महत्या कर ली थी। अब आगे देखिए पृथ्वीराज चौहान थे ये वीर थे, साहसी थे, इसके अलावा इन्होंने अपने जो दरबार था उस दरबार में कई व्यक्तियों को क्या दी थी, शरण दी थी, जैसे वागीश्वर है, बड़े बड़े जो थे इनके दरबार में विद्वान रहते थे, इसके अलावा जैन विद्वान भी रहते थे, और सबसे बड़ी बात पृथ्वीराज चौहान ने अपना साम्राज्य इतना बड़ा किया था कि उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद किसी भी शासक ने इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था, इसीलिए इनको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। दोस्तों ये था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।